हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अरबी के पत्ते बनाना बताऊँगी। तो देखो, ये मैंने अरबी के पत्ते को ऐसे काट लिया है साग की तरह। तो मैंने इसे अच्छे तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसे उसे बर्तन में डाल दूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा बेसन। बेसन ज़्यादा नहीं ऐड करूंगी, बस कि थोड़े से पकौड़े टाइप में भाप पर बनाने हैं, इससे इसमें हो जाएंगे। देखो, तो हमारा बर्तन गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें हमें इस प्रकार तैयार करना है। इसको हम इसके को पतले से करके मैं इसे रख दूँगी। अरबी के पत्तों को बेसन के साथ ऐसे मिलाना है कि वो ज़्यादा ना पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो हमें इसे भाप पे पकने के लिए ही रखना है। बस खोल के देख लेते हैं कि हमारे अरबी के पकौड़े तैयार हुए कि नहीं। तो अभी थोड़ी इनमें कमी है, तो इन्हें एक मिनट के लिए और इस पे छोड़ देंगे। अरबी के पकौड़े हमारे उबल गए हैं और अब हम इन्हें काट लेते हैं। गरम हो गया और अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे और अपने पकौड़ों को। अब हम इसमें थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा भून लेंगे। के पकौड़े बन चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू और डाल देंगे, जिससे कि हमारे पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हमारे अरबी के पकौड़े बनकर तैयार हैं और हम इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं।